हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिका किचन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको हम कोरदोए बोलते हैं असमीज में, लेकिन आप लोग इसको क्या बोलते हैं अपने भाषा में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश में इसको शायद स्टार फ्रूट बोलते हैं और ये बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत ही गुणकारी है, स्पेशली जॉन्डिस के लिए। तो मैं बाज़ार से तो इसको लेकर आई थी, लेकिन इसका नंबर आज 4-5 दिन बाद लगा है बनाने के लिए, तो हल्का सा काला पड़ गया था। कोई नहीं, तो इसको मैं अच्छे से धो लूँगी 4-5 बार। धोने के बाद अब मैं इसका जो बाहरी हिस्सा है ना, इसको मैं चाकू की सहायता से काट लूँगी। इसको काटने के बाद आप चाहे इसको लंबा काटिए चाहे गोल काटिए। मैं गोल गोल इसलिए काटती हूँ ताकि ये एकदम बिल्कुल स्टार फ्रूट जैसा दिखता है, एकदम स्टार जैसा दिखता है, स्टार के आकार में, इसीलिए इसका नाम भी शायद स्टार फ्रूट पड़ा है। अब आपने देखा होगा कि मैं एक साफ़ सूखे कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है धोने के बाद भी उसमें काफ़ी धूल मिट्टी चिपकी रहती है जो पानी से नहीं निकलता है, और इसको हम साबुन से तो धोएंगे नहीं। इसीलिए मैंने एक साफ़ सूखे कपड़े से हर एक कोरदोए को, स्टार फ्रूट को अच्छे से पोंछ लिया है कि इसके जो कोने में भी, जो अंदर भी है कहीं, अगर थोड़ा भी धूल मिट्टी है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और साथ ही साथ इसका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो भी निकल जाए। हालांकि पानी का इतना चिंता नहीं, क्योंकि अभी यहाँ बहुत धूप है तो धूप वह पूरा खींच लेगा। सिर्फ मैं मिट्टी के लिए ही इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ, धूल मिट्टी ना रहे अचार में। तो ऐसे करके मैं सभी काट लूँगी। ये ऑलमोस्ट 900 ग्राम ही होगा अभी, क्योंकि 100 ग्राम तो हमने कच्चा अचार बना लिया, कच्चा चटनी बना लिया, सॉरी। और इसको अभी मैंने थोड़ा सा नमक हल्दी लगाकर हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं धूप में सूखने दूँगी। तो ये खौड़ा ही बोलते हैं हम इसको, ये बांस का होता है, तो इसी में मैं ज़्यादा नहीं था बोल के इसी में मैं इसको डाल के इसको छत में छोड़ दूँगी धूप में। तो ये धूप में अच्छे से, देखिए कितना कड़क धूप था, सूख कर कितना कम हो गया। ये 2 दिन का धूप लगने के बाद इसका ये रूप है। तो अभी ये अचार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, और जो बाकी जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने पहले से ही पीस के रखे थे। हमेशा मैं अचार बनाती रहती हूँ तो जो एक्स्ट्रा मसाला होता है वो मैं कंटेनर में रख देती हूँ। अगर आप ये मसाला का रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो हल्दी नमक डाल दिया थोड़ा सा, साथ ही साथ मैंने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और सरसों डाला। सरसों भी मैंने गर्म करके नहीं डाला, कच्चा ही डाल दिया, क्योंकि धूप में मैं इसको सुखा कर इसका जो कच्चापन है वो मैं दूर करूँगी। और इतनी गर्मी में थोड़ा आलस भी आ रहा था कि क्या गर्म करके ठंडा करूं। ये थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि शुरू में भी मैंने नमक डाला था। तो बस ये 2 मिनट में अचार बनकर रेडी हो जाता है। और जो मसाले का जो रेसिपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अचार का रेसिपी। बेसिक मसाले हैं बस, वही डालना है, और थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाल दिया, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ इसका शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ता है। तो देखिए कितना झटपट बनकर तैयार हो गया, और इसको मैं एक साफ़ शीशे की बॉटल में डालकर रख दूँगी, और ये महीने भर में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना सा ही है। गर्मी में खाने में बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से और थोड़ा सा मैंने कच्चा सरसों तेल डाल दिया, और ये तेल धूप में ही पकेगा। रोज़ मैं इसको धूप लगाऊँगी और धूप में ही ये सरसों तेल अच्छे से पक जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।